गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसी है मेरी बच्चा पार्टी कैसी है मेरी बच्चा पार्टी हाँ कैसे हो कैसे हो मुझे बता दो क्या मैं लाइव हूँ क्या मैम देख रही है तुम्हें क्या मैम की बात सुन रही है तुम्हें ओह oh, मुझे भी मेरी आवाज सुन गई <laughs> आ गई आ गई आई वॉज जस्ट वेटिंग Uh, कि आपका सेशन खत्म हो फिर मैं सेशन शुरू करूँ यानी आई एम सॉरी बच्चों आज आपको ना बिल्कुल रेस्ट भी नहीं मिला आ, पर चलो कोई बात नहीं ठीक है आ जाओ शुरू करें <coughs> शुरू करते हैं हम हम मैंने मुझे कल ही ख़त्म कराना था चैप्टर लेकिन बच्चों मेरी ना क्लास होती है इलेवन थर्टी प्लस की इसलिए कल मुझे <coughs> कल मेरी वो क्लास भी लेट हो गई थी ट इज वाइट लेकिन हम आज ये फटाफट से खत्म कर लेंगे ठीक है डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें हम ये फटाफट से खत्म कर लेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके ठीक है बच्चों, चलो अब अच्छा भाई देखो एक फटाफट से बात बताती हूँ कल मैं जयपुर जा रही हूँ जो भी बच्चा जयपुर में है जरूर मुझे मिलने आना ठीक है दो से छ में वहां होंगी एंड लिविंग वर आई एम ए कल वाला ही आ गया तो so, चलो अब तो तुम्हें पता ही गया मैं डॉक्टर गार्गी सिंह हूँ और मैंने पीएचडी करी है छः साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों आप मेरे साथ प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं यू जस्ट हैव टू यूज द कोड गार्गी और मेरे साथ प्लस पे भी आके पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी तरीके से पढ़ाई ज़्यादा प्रॉपर वे से हो जाती है आइकॉनिक जिस बच्चे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो ले सकता है एंड योर दिस ऑफर इज बैक नाउ आपका ये जो ऑफर था हमने एक्सटेंड कर दिया बैक तो नहीं एक्सटेंड कर दिया है बस आपको कोर लगाना है गार्गी और पहुंच जाना है प्लस के साथ हमारे साथ क्लासेस सा आके तुम लगा सकते हो चार महीने का आपको इतने में पड़ रहा है नाइन 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 जीरो में ओके जी ये मेरा एक बैच बच्चों आ रहा है तेरह अप्रैल से शुरू हो रहा है एंड बिग बैंग नीट यू जी मेरा एक मेगा स्पेशल जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें आपको थर्टीन को मेरा एक फ्री सेशन होने वाला है लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कोई भी दिक्कत हो आपकी नीट की प्रेपरेशन से इस नंबर पर कॉल करेंगे दिस टीम इज माई टीम वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी एंड आज कोई भी बच्चा ये टेस्ट नहीं छोड़ेगा ठीक है ये वाला टेस्ट कोई भी बच्चा नहीं छोड़ने वाला है मैं पीवाईक्यू प्लस एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाली हूं बच्चों ठीक है ओके ठीक है चलो आज कितने बजे होगा तीन बजे होगा नौ तारीख तो आज है तीन बजे होगा बच्चों बस एन ऐप डाउनलोड करना और आ जाना ये सब हम कल खत्म कर चुके हैं ये देखो ये सब हो चुका था ना है ना एंड आई गिव यू अ प्रॉपर प्लान आपको एक प्रॉपर प्लान भी मैं आज दे दूंगी कि किस तरह से हम कब कौन सा चैप्टर करने वाले हैं प्रैक्टिस कैसे होने वाली है एवरी एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल तुम्हें मिलने वाला है आज ही ठीक है बच्चों चलो एंड होमवर्क इतने सारे बच्चों ने होमवर्क कर दिया दिल खुश कर दिया तुमने मेरा यार तुमने कमेंट्स में इतना लिखा मैम होमवर्क डन होमवर्क डन मतलब लव यू लव यू ऐसे ही चलते जाओगे ना बच्चों तो मतलब इट्स इट्स नॉट डिफिकल्ट यू एंड आई वी आर गोइंग टू क्रैक दिस है ना ओके okay. चलिए जी चलो बच्चों बच्चो एड्स आज मैं तुम्हें शुरू कराने वाली हूँ ये ये वाला जो पार्ट है दैट इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट इस वाले पार्ट से लगभग मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जो हमारी कीज होती हैं जो हमारे यू नो एक्स टू कंजर्वेशन इन सी टू कंजर्वेशन वो सब इधर भी पढ़ाया जाएगा दोनों चैप्टर्स को रिलेट करूंगी ठीक है जी चलो आ जाओ बच्चों पहले मैं तुम्हें ना थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि क्या है क्या नहीं है उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ठीक है माइंड मैप तुम्हें हर चैप्टर के मिलेंगे मैं यहीं पे बनाऊंगी इधर ही बनाऊंगी बच्चों ठीक है इधर ही बनाऊंगे तुम मेरे साथ बनाओगे राइट विद फुल जोश अपना ये वाला ये वाला इमोजी भर दो इस वाले इमोजी से यस मैम और वो जो फायर वाला होता है उससे भी भर दो बच्चों दिस वन यस मैम हम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फायर वाला अब भी मुझे बॉक्स में ये ये दो इमोजीज चाहिए ये बच्चों फटाफट से जोश जोश एकदम हाई ये yes, शुरू कर रहे हैं ठीक है शुरू कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एज यस बच्चों, ठीक है जी चलिए टेक्सोनॉमिकल एज क्या है एड क्या होता है हेल्प करना क्या हो गया Taxonomy में जो मुझे हेल्प करेगा टेक्सोनॉमी क्या था बच्चों पहले मैं आइडेंटिफाई करती हूँ फिर मैं क्या कहते हैं क्लासीफाई करती सॉरी नॉमन क्लेचर करती हूं फिर मैं नहीं नहीं पहले आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन हो गया ठीक है जी ओके okay. या मैंने कुछ उल्टा बोल दिया मुझे बता देना तुम तो, मुझे बता देना या सोचो ठीक है जी तो मैंने टेक्सोनॉमी कर ली लेकिन इस टेक्सॉनॉमी को करने में मुझे हेल्प चाहिए भाई मैं किसी प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगी मेरे को सपना तो नहीं आएगा कि ये वाला जो प्लांट है इसका नाम होता है यू नो आई डोंट नो क्या बोलूँ एस्प्लीनियम ऐसी ऐसे एक नाम बोलते हैं हमें नहीं पता चलेगा बच्चों हमें नहीं पता चलेगा तो उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी ठीक है उन हेल्प्स को हम क्या बोलते हैं टेक्सटोनोमिकल एड सबसे पहले उसमें हम पढ़ते हैं बोटैनिकल गार्डन बोटानिकल गार्डन के लिए मैं एक चीज तुम्हें बताऊंगी जो इकोलॉजी में भी बोला जाता है दैट इज सबसे पहले क्या करेंगे हम बच्चों बोटानी कल गार ठीक है बोटानिकल गार्डन हम सबसे पहले करने वाले हैं बोटैनिकल गार्डन्स होते क्या देखो मेरी बात सुनो बोटानिकल गार्डन होते क्या बोटानिकल गार्डन बेसिकली मतलब मैंने सोचा कि मैं अपने शहर में एक गार्डन बना लेती हूं जिसमें मैं बाहर के मेरे शहर में जो चीज नहीं मिलती मेरे शहर में जो पेड़ नहीं मिलता कहीं और मिलता है वो वाले पेड़ ला उस शहर में उस गार्डन में रखूंगी उसको हम बोलते हैं बोटानिकल गार्डन सो देख रहे हो तुम तो, मैं कहीं और से चीजें लेकर आ रही हूँ बच्चो इज दिस एक्सीटू और इनसी टू बताओ बताओ चैट बॉक्स में आग लग जानी चाहिए बिल्कुल लग जानी चाहिए बिल्कुल लग जानी चाहिए बच्चो ये बोलो इज दिस होता है एक्सी टू एंड होता है बच्चों क्या होता है और से, को में भी पूछा जाता है, ये यहां से भी बनता है लिखो इसको सबसे जरूरी चीज है इसमें एक्सी टू कंजर्वेशन में करती हूं इसे जिस बच्चे को नहीं पता एक्सी टू क्या होता है एक्सी टू का मेरा एक एग्जाम्पल है बच्चों यूट्यूब यूट्यूब हमारा हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट है ठीक है और जब मैं तुम्हें स्पेशल क्लास से बुलाती हूँ जब मैं तुम्हें स्पेशल क्लास से बुलाती हूँ तो वो हो गया एक्स टू राइट बच्चों यूट्यूब इज माई नेचुरल हैबिटेट जब मैं तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी नेचुरल हैबिटेट से उठा के कहीं और बुला रही हूँ मैं आपको बुला रही हूँ स्पेशल क्लासेस पे देखो दोनों चीज़ें जरूरी हैं दोनों चीजें जरूरी हैं तो वो हो गया एक्सी टू ठीक है जब आपने वहीं पे कंजर्व करा तो इन सी टू बाहर लेके जा कहीं और लेके चले गए तो फिर हो जाएगा एक्सी टू अब यहां पे क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो भाई सबसे बड़ा जो बोटानिकल गार्डन है वो कौन सा होता है ये सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन क्या होता है कौन सा है बच्चों क्यू बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में मिलता है सो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन मुझे कहा मिलेगा हाँ जी दिस मेरा तो ड्रीम भी है इस गार्डन को देख के आना है ना मेरा तो ड्रीम भी है इस गार्डन को देख के आना ठीक है चलो आ जाओ यस yes, लिखते हैं क्या नाम है क्यू बुटानिकल गार्डन तुम्हारा नीट क्लियर कर लो है ना फिर देख कर आएंगे या फिर जब तुम डॉक्टर बन जाओगे इंग्लैंड में है थोड़े से पैसे भी चाहिए होंगे ना बच्चों है ना तो मेरे ख्याल से तुम डॉक्टर बन जाओ फिर इस बुटैनिकल गार्डन को देख कर आएंगे ओके यस yes? अरे देव मैंने तो पी क्या बोल रहे हो तो मैंने तो हैंड रिटर्न नोट्स अपने सेंड करे हैं देव प्लीज आप चेक करो बच्चों बता दो हैंड रिटर्न नोट्स मिले आपको इस चैप्टर के फटाफट से बता दो फटाफट से बता दो मिले ना यस yes. मिल रहे हैं बच्चों सब कुछ मिल रहा है आपको यू जस्ट नीड टू गो टू द राइट प्लेस ठीक है बच्चों चलो आ जाओ <laughs> अच्छा ठीक है तो ये चीज हो गई मेरी इंडिया में कौन सा है भाई मेरी इंडिया में कौन सा महान बोटेनिकल गार्डन है मेरे इंडिया में है मैं मेरे देश को क्यों भूल जाऊं यार मेरे देश को नहीं भूलना मुझे इंडियन बोटानिकल गार्डन इंडियन बोटानिकल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गार्डन है ना गार्डन में लिख रही हूँ ना मेरे को गर्दन लग रहा है गर्दन इंडियन बोटानिकल गर्दन ओके जी चलो कहाँ मिलेगा बच्चों हावड़ा ठीक है हावड़ा दिस हैज अब बैनियन ट्री जो 200 साल पुराना है जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट बैनियन ट्री द ग्रेट बैनियन बैनियन की स्पेलिंग यही होती है ना इट हैज ग्रेट बैनियन ट्री बच्चों अच्छा कितना पुराना बोल रही हूं मैं दिस इज 200 हंड्रेड ईयर्स ओल्ड दिस इज टू हंड्रेड गया अब जरा एनसीआर माता को देख ले वहाँ पे माथा टेक लिया जाए आ जाओ बोटानिक गार्डन से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं ठीक है जी चलो आ जाओ टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होते हैं बच्चों मुझे कोई भी चीज पढ़नी है मैंने तुम्हें एक प्लांट दे दिया तुम अपने आप से तुम्हें सपना आएगा नहीं मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाई ये होता है यस yes, बच्चों ये होता है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी ना किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी मैं बोटैनिकल गार्डन की हेल्प ले सकती हूँ मैं वहाँ जाके देख सकती हूँ कि अच्छा ये वाला जो प्लांट होता है इसका ये नाम होता है ओके ठीक है डन चलो ठीक है जी बच्चो तो ये दिस इज द स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गैनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉर एस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग बायो रिसोर्स एंड देयर डायवर्सिटी बायो रिसोर्सेज क्या है बच्चों बायो रिसोर्सेज हैं जो प्लान्ट एनिमल जिनसे मुझे फ़ायदा मिलता है जिनसे मुझे अच्छी चीज़ें मिलती हैं दैट इज योर बायो रिसोर्सेज दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मैं गलत नहीं क्लासिफाई करना चाहती बच्चों ओके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज मैंने तो आई एम आई वॉज अ टेक्सोनोमिस्ट ठीक है मैंने ये सब काम करा है आई कैन टेल यू दिस इज अ लेबर इंटेंसिव काम बहुत मेहनत लगती है बच्चों लैब में जब बैठ के आपको सारा काम करना पड़ता है फील्ड स्टडीज पे भी जाना पड़ता है एंड ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए तीन स्पीशीज ऐसे ही डिस्कवर नहीं करें

दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स ठीक है बच्चों आपको सिस्टमैटिक्स में अगर बहुत ज्यादा ट्रेन होना है तो ये आपको चाहिए इट इज़ यूज फॉर क्लासीफिकेशन ऑफ एन ऑर्गैनिजम एंड द इफॉर्मेशन ऑफ गैदर इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिम ठीक है मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रख लिया सारा कुछ लिख दिया कि इसका डिस्क्रिप्शन ये सम केसेज द स्पेसिम इज प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडीज जो मैंने प्रिजर्व करे हुए हैं मैंने भी प्रिजर्व करे हुए हैं येस yes, बच्चो ठीक है जी चलो अरे कौन बोल रहे हैं नहीं मतलब बच्चों मैंने कल ही पोस्ट करे हैं मैंने कल ही पोस्ट करे हैं हैंड रिटन नोट्स एकदम बढ़िया वाले मस्त मक्खन हाँ ओके अच्छा बच्चों और एंड लाइक द सेशन यार लाइक like करने में क्या जाता है एटीपी दे दो थोड़ी सी मैम को है ना थोड़ी एनर्जी एनर्जी मिलती है उससे मोटिवेशन मिलता है कम ऑन आ जाओ बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज सम ऑफ समीज आर हियर सबसे पहले हम हर्बेरियम देख लेते हैं मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहले बता दिया बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम क्या है हर्बेरियम बच्चों कुछ नहीं है हर्बेरियम इज अ वेरी बिग रूम मैं तुम्हें बताती हूँ हर्बेरियम एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें बहुत सारी अलमीरा होती है ठीक है मेरे डिपार्टमेंट uh, में भी था सो देर इज अ बिग रूम विद लॉर्ड्स ऑफ अलमीराज ठीक है जी बहुत सारी अलमीराज होते हैं और अलमीरा में हमने क्या रखा होता है हरबेरियम शीट रखी हुई है तो ये एक अलमीरा है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है सब में ऐसे ऐसे करके हमने शीट रखी हुई है हरबेरियम शीट रखी अब ये शीट क्या होती है इसका प्रोसेस तुमसे पूछा जा सकता है मैंने प्लांट को कलेक्ट करा ठीक है ये लो ये रहा प्लांट ये रहा प्लांट मैंने प्लांट को कलेक्ट करा प्लांट को हम फूल के साथ कलेक्ट करते हैं वन थिंग ठीक है प्लांट को हम फूल के साथ करे कलेक्ट करेंगे फिर मैं बच्चों इसको ऐसे प्रेस कर दूंगी इस बेचारे प्लांट को ऐसे प्रेस कर देंगे एक बुक लेते हैं लो यहीं पे आज ना मैं तुम्हें हर्बेरियम बना रही हूँ यहाँ पे रुको एक बुक ली ओके उसके अंदर तुमने इसको रख दिया ऐसे प्रेस कर देंगे दिस इज द सेकंड स्टेप अब इसको चेंज करते रहेंगे जब तक ये सूख नहीं जाएगा बेचारा ठीक है जब ये सूख जाएगा जब ये बिल्कुल पतला हो जाएगा तो हम इसको एक शीट के ऊपर चिपका देंगे और उसके ऊपर इसका नाम लिखेंगे लोकल नाम डेट लिखेंगे किस दिन पे हमने इसको कलेक्ट करा था किसने कलेक्ट करा था फैमिली कौन सी है वो सब कुछ लिख देंगे हाइट नहीं लिखते एक क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है हाइट नहीं लिखेंगे ओके <coughs> okay, चलो बच्चों आ जाओ ओके बच्चों डॉक्टर गार्गी सिंह डॉक्टर गार्गी सिंह वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा आ जाओ यस <coughs> yes. तो हमें यहां पे क्या क्या देखना है क्या क्या चीजें हम लिखते हैं ये देखना है तो मैंने लिखा लोकल नेम इंग्लिश नेम कलेक्टर का नाम फैमिली का नाम यस yes, बच्चों और मैंने क्या क्या प्रोसेस था मैं यहां पे प्रोसेस लिख देती हूँ तुम्हारे लिए आई एल राइट डाउन द प्रोसेस क्योंकि कभी कभी ना पीवाई में आपको प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चन मिले होते हैं प्रोसेस क्या प्रोसेस था कलेक्ट करा कलेक्ट प्लांट विद फ्लावर हो तो बहुत बढ़िया बात है फ्लावर हो तो बहुत बढ़िया बात है ओके okay, चलो विद फ्लावर दूसरा बच्चों मैं क्या करूंगी प्रेसिंग प्रेसिंग अरे वो होता है ना हम फूल रख लेते हैं ना कई बार पुस्तक में किताबों में फूल रख लेते हैं बच्चों रखते हैं ना तुम फूल रख लेते हैं नहीं रखते ठीक है नहीं रखते फूल रखते हैं गुलाब के फूल रख लेते हैं उनको किताबों में रख लेते हैं और फिर बाद में वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, याद करते हैं यारे ये किसने दिया था वही है यार बच्चों वही है। वही है। so, प्रेसिंग प्रेसिंग and ड्राइंग।, ड्राइंग करेंगे हम इसकी ओके उसके बाद बच्चों हरबेरियम शीट पे हम इसको लगा देंगे ठीक है उसके बाद हम इसको कहां लगाएंगे हरबेरियम शीट पे लगा देंगे अरे अबे किधर भाग रहे हो रे हरबेरियम शीट्स के ऊपर लगा देंगे ठीक है एंड हम क्या क्या चीजें लिखेंगे ये सब उसके ऊपर लिख देंगे कि भाई किसने कलेक्ट करा गार्गी मैम ने कलेक्ट करा ओके okay. फैमिली कौन सी है ओके okay, लिख दिया बस टन टन आटन टन ओके okay, जी चलो समझ में आई बच्चों बात समझ में आई बच्चा बच्चों बात ठीक है आ जाओ अब अगले पे आ जाओ बोटानिकल गार्डन क्या थे बोटानिकल गार्डन फॉर ट फॉर बच्चो एक्स सी टू कंजर्वेशन हर कोई बच्चा अपनी एनसीआर टी में ही यहां पे लिख लेकर ले आऊंगी और यहां पे लगा दूंगी ठीक है जी यहां पे लगा दूंगी डन डन बच्चों किसने फूल दिया था दिया था भाई दिया था तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या करना है तुम बड़े इंटरेस्टेड हो किसने फूल दिया था हाँ हाँ चलो आ जाओ दी स्पेश गार्डन हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट पहली चीज तुम ये समझोगे लिविंग प्लांट है हर्बेरियम में क्या थे बच्चों मरे हुए थे डेड डेड प्लांट्स याद रखना ये भी पूछा जा सकता है यहां पे क्या है लिविंग है ये मरे हुए नहीं है जिंदा है प्लांट अभी भी इनमें जान बाकी है ओके दी स्पेशलाइज गार्डन ओके जी ठीक है लिविंग प्लांट्स है प्लांट्स इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रखते हैं मतलब मैं क्या करती थी जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, थी तो अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाती थी बोटैनिकल गार्डन में उनको दिखाती थी कि ये ये वाला पेड़ होता है ये ये वाला प्लांट है सो so दैट उनको रट्टा ना मारना पड़े सो दे दे आर ऑल्सो मेंट फॉर बच्चों दे आर ऑल्सो मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज मैं देख रही हूँ चैट में जो तुम मस्तियाँ कर रहे हो ठीक है मेरे बारे में मत लिखो कुछ चलो आ जाओ अवे रहने दो आ जाओ आ जाओ ठीक है जी चलो द फेमस बोटानिकल गार्डन आर क्यू बोटानिकल गार्डन इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल रिसर्च बोटानिकल सॉरी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ठीक है वहां पे मैं ये लिखना भूल गई थी तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है और जो बोटैनिकल गार्डन है वहां जो पेड़ होता है ना देखो ये रहा पेड़ ये है मेरा बोटैनिकल गार्डन ये है हमारा पेड़ तो पेड़ के साथ बच्चों हम पता है क्या करते हैं एक ऐसा प्लग कार्ड लगा देते हैं इस तरीके से अब इसके ऊपर हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं ठीक है यहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि भाई नाम क्या है अरे यार ये बहुत मस्ती करता है कि भाई नाम क्या है यू नो जगह क्या है फैमिली क्या है ऐसे लिख देते हैं हम तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये है ये ये है डन ठीक है चलो अभी मस्ती कम करो पेपर आ रहा है तुम्हारा मेरे साथ मस्ती कम करो मेरे साथ मस्ती कम करो आ जाओ म्यूजियम म्यूजियम में बच्चों सारी चीजें मरी हुई मिलेंगी डेड ओके और यहां क्या मिलेगा यहां सिर्फ प्लांट होता है या सिर्फ एनिमल होता है दोनों चीजें मिलेंगी तुम्हें तो म्यूजियम में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स याद रखना ठीक है यहां कंजर्वेशन नहीं हो रहा है यहां बच्चों प्रिजर्वेशन हो रहा है तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन तो मैं लिख देती हूँ यहां पे हम प्रिजर्व कर रहे हैं प्रिजर्व हम तब करते हैं जब कोई चीज मर चुकी है ठीक है कंजर्व हम तब करते हैं जब वो चीज जिंदा है राइट या, right, बच्चों याद रख, ये पता जो words है जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स का खेल भी आ रहा है आजकल नीट में याद रखना प्रिजर्वेशन क्या है जब मरा हुए चीज को हम प्रिजर्व कर रहे हैं यहां पे भी लिख देती हूं तो दिस इज ऑल्सो प्रिजर्वेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता तुम्हें कि भाई कौन सा ऐसा अह uh, टूल है जो प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है तुम बोलोगे हर्बेरियन एंड म्यूजियम मरे हुए हैं वहां पर कौन सा कंजर्वेशन के लिए यूज होता है जू uh, तो, तुम्हारे जूज एंड योर बॉटनिकल गार्डन ये याद रखना बच्चों चलो ओके okay. मैम प्रैक्टिकल दिखा दो मैं तुम्हें बताता हूं हां मैं बताती हूं तुझे ओके okay. चलो बच्चों आ जाओ तो म्यूजियम में हमने क्या करा प्लांट्स को मार मारा मरे हुए प्लांट्स हैं उनको रख लिया एक सोल्यूशन में रख लेते हैं नॉर्मली फॉर्मुलिन में रखते हैं कोई तुमसे पूछेगा नहीं बट मैं तुम्हें बता देती हूँ ठीक है नॉर्मली हम किस में प्रिजर्व करते हैं बच्चों फॉर्मुलिन तो मैंने प्लांट लिया मैंने एनिमल जो छोटे एनिमल हैं उनको मैं डब्बों में रख सकती हूँ जो बहुत बड़े एनिमल हैं उनको हम स्टफ कर देते हैं ठीक है जी आ जाओ बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच है स्कूल्स एंड कॉलेजेस ठीक है मेरा जो यूनिवर्सिटी था वहां पर भी हमारे पास एक हर्बेरियम भी था हमारे पास बोटैनिकल गार्डन भी था हमारे पास म्यूजियम भी था राइट बच्चों म्यूजियम

हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़ाई करी है मैंने ठीक है जहाँ से बहुत महान महान लोगों ने भी पढ़ाई करी है अब तुम मुझे बताओगे कौन किस किस महान लोगों ने वहां से पढ़ाई करी है इट्स अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया की जोलॉजिकल पार्क में आ जाओ बच्चों दीज आर द प्लेसेज वर वाइल्ड एनिमल्स आर मतलब मेरे को बताना पड़ेगा क्या जोलॉजिकल पार्क में इसकी भी लाइन पढ़नी पड़ेगी चलो पढ़ देती हूँ ठीक है जी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट uh, में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर विच एबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर चलो ये क्वेश्चन जरूर वो पूछ सकते हैं कि भी हम क्यों रख रहे हैं वहाँ पे फूड हैबिट एंड बिहेवियर को देखने के लिए ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट चिल्ड्रन दे लव विजिटिंग पार्क एंड दे आर कू नोने जू बट आई डू नॉट यू नो सपोर्ट जू वाला मैं नहीं सपोर्ट कर मैं जू में जाती ही नहीं हूँ ठीक है आई डोंट लाइक इट एट ऑल मैं होता है कि भाई अगर जो तुम्हें कंजर्वेशन करना है तो दैट शुड बी इन सी टू वाला कंजर्वेशन मैं तो नहीं मैं नहीं जाती हूँ जू मुझे नहीं अच्छा लगता ठीक है बेचारे जानवर को तुम बंद करके रख देते हो बट दैट्स माई यू नो टेक है ना चलो ओके okay. ओके <laughs> okay बच्चों चलो की द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिकल टूल यहाँ पे ना मैं चांद सितारे और पता नहीं क्या क्या लगा दू सितारे बना देते हैं चांद भी बनाना पड़ेगा ठीक है ऑल ये जो चांद मैंने बनाया वो काफी सैड लग रहा है बट ऐसा है ठीक है चलो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूं दिस इज लाइक ट्रेजर हंटिंग ठीक है अब मैं तुम्हें एक 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 मैं आपको बच्चों कुछ फन सा एक यू नो गेम सा देने वाली हूं सो आई हैव दिस वन एंड टू आपको मैंने सबको एक अलग अलग प्लांट दे दिया है ठीक है थोड़ा सा समझना पड़ेगा कीज को समझने के लिए सबको मैंने एक अलग अलग प्लांट दे दिया है राइट नाउ मैंने आपको बोला कि ये तुम्हारे पास कीज हैं या क्लू हैं ठीक है थीके? अभी हम इसको क्लू बोलते हैं चलो कीज बाद में बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ क्लूज है बच्चों और आपको इसको देख के मुझे बताना कि ये कौन सा प्लांट है कौन सा नहीं है चलो आ जाओ क्वेश्चन तो इसमें मेरे को जो आपको क्लूज देने वाली हूँ दे दे आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस एक्चुअली जस्ट पिकट ऑप एंड पुटेट यो आ जाओ तो तुम्हारा जो प्लांट है बच्चो या तो उसमें लेटस से लेटस से रेटिक्यूलेट वेनेशन होगा ठीक है करेक्ट किसी बच्चे को जो प्लांट मिलाया उसमें रेटिकुलेट होगा ठीक है दूसरा बच्चों पैरल हो सकता है यही हो सकता ना करेक्ट करेक्ट बच्चो ठीक है पैरल हो सकता है ओके okay. अब कीज बताए कैसी होती है एक जगह अगर रेटिकुलेट वेनेशन लिखा है फिर वो तुम्हें बताएगा तो तुम्हें आगे कहां जाना है तो मे बी यहां पे उसने लिखा है गो टू गो टू पॉइंट नंबर फाइव लेटेस्ट से ठीक है यहां लिख दिया गो टू गो टू थ्री पॉइंट नंबर थ्री ठीक है ऐसे अपनी कीज बनती हैं तो अब मैं तीसरे पे चली जाऊं यहां फोर्थ भी होगा है ना तो तीसरे पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो मेरा एस्टिवेशन है एस्टिवेशन की बात करते हैं वेलवेट है आई एम जस्ट गिविंग यू है हाइपोथेटिकल यू नो कंडीशन एस्टिवेशन मेरा वेलवेट है है ना बच्चों और दूसरे में मैंने क्या कर दिया इम्ब्रिकेट कर दिया इम्ब्रीकेट कर दिया एस्टिवेशन तो ऐसे ऐसे करके ना मैं हिंट्स लेती जाऊंगी और ये लो यहां यहां यहाँ फिर इसने लिख दिया बच्चों गो टू सेवन लिख दिया यहां पे लिख दिया गो टू सिक्स लिख दिया ऐसे ऐसे करके आप चलते जाओगे चलते जाओगे एंड फाइनली यू विल गेट द नेम ऑफ योर प्लांट ठीक है लेटेस्ट हमारे जो प्लांट है उसका नाम क्या रखूँ हमारा जो प्लांट है उसका नाम क्या रखा जाए हां जी गायत्री रख दे उसका नाम चलो हमारा जो प्लांट है उसका नाम है गायत्री ओके बच्चों तो ऐसे ही मैं की को फॉलो करती गई करती गई और मुझे पता चला यहां पे नाम नीचे नाम लिखा होता है ठीक है जब आप सारे के सारे लीड्स या सारे के सारे क्लू देख लेते हो तो नीचे नाम लिखा होता है तो हमारे प्लांट का क्या नाम था हमारे प्लांट का क्या नाम निकला गायत्री और वो कैसे मुझे पता चला पहले मैंने ये वाला ऑप्शन देखा मैंने देखा कि जो मेरा प्लांट है उसके पास पैरेलल विनेशन है तो मैं बच्चों कहां गई मैं तीन पे गई फिर मैंने देखा मेरे पास तो वैल एस्टिवेशन ही है फिर मैं कहां गई सात पर गई फिर मैं उसके बाद दस पे गई होंगी बारह पे गई होंगी अल्टीमेटली हमें हमारे फूल का पत्ते का या पौधे का नाम पता चल गया क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई बच्चों मुझे फटाफट से बता दो ठीक है ये बात मुझे समझ फटाफट से बता दो बोलो 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 फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि कपलेट क्या होता है लीड क्या होता है फटाफट से बता दो अभी हमने कुछ नहीं करा अभी बस मैंने तुम्हें सिंपल सी एक ट्रिक दी है कुछ नहीं कराया कुछ नहीं बताया कि बस समझाने लगी हूं तुम्हें फटाफट से एकदम तूफानी स्पीड में मुझे आंसर आना चाहिए चैट में हां बच्चों यस मैम यस मैम यस मैम जी मैम समझ में आ गया ओके बच्चों ओके 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 यस ठीक है तो इस तरह से की काम करती है ठीक है इस तरह से की काम करती है यस yes, बच्चों तो अब देखो अब देखो एक की के पास दो होते हैं मतलब दो कैरेक्टर होते हैं एक जो अपना ये है ना दिस इज अ कपलेट ठीक है दिस इज अ कपलेट बच्चों इसको हम बोलते हैं कपलेट से दिस इज ए दिस इज बी तो दिस इज अ कपलेट दोनों एक साथ मिलेंगे तुम्हें दो ऑप्शंस होते हैं ना जिंदगी में कि यहां जाएं या यहां जाएं इधर जाऊं या इधर जाऊं ठीक है बच्चों इधर जाऊं या इधर जाऊं ठीक है जी तो ये हो गया मेरा कपलेट दिस इज ऑल्सो अ कपलेट दोनों साथ में है लेकिन बच्चों आपको यहां डिसाइड करना है कि तुम इधर जाओगे या इधर जाओगे रास्ता तुम चूज करोगे इधर जाना है या इधर जाना है तो दोनों ही रास्ते लीड करते हैं आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे ठीक है कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे इसलिए मैं इनको क्या बोलती हूं एवरी कैरेक्टर ऑफ कपलेट इज नोन एज अ लीड दिस इज अड दिस इज अड दिस इज अड बच्चो ये भी एक लीड है क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं क्या आपको आज की समझ में आई इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों ठीक है दीज आर दीज आर एनालिटिकल इन नेचर क्योंकि एनालिटिकल मतलब मैं एनालिसिस कर रही हूँ

देखो मैं फिर से बता देती हूँ कीज हम किस लिए यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए मेरा प्लांट कौन सा है बच्चों आपने कभी जिंदगी में आ, ट्रेजर हंट खेला होगा मेरे ख्याल से तो उसमें हम क्या करते हैं क्लूज देखते हैं और फिर अगले आ, क्या कहते हैं क्लू पे जाते हैं तो यहाँ पे भी यही हो रहा है भाई मेरे पास मेरा प्लांट था मैंने देखा इसके पास रेटिकुलेट विनेशन है या पैरल मेरे प्लांट के पास पैरल था ओहो ये क्या हुआ ये तो इरेज हो गया बच्चों ओ, वापस आ गया मेरे प्लांट के पास पैरेलल था तो ऑब्वियसली मैं कहाँ जाऊँगी तीन पे जाऊंगी अगर तुम्हारे पास जो प्लांट है उसके पास रेटिकुलेट है तो तुम कहाँ जाओगे पांच पे जाओगे ये यही है ये यही है क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड वेरी गुड और हर एक देखो तुम तुम किसी यू uh, नो you know, सड़क पे खड़े हो और तुम्हें पता नहीं है इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ भाई तुम किस तरफ भी जाओ कहीं ना कहीं तो लीड कर रहे हैं ना कोई रास्ता तो हर एक स्टेटमेंट होती है लीड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों ठीक है जी यस yes. मक्खन क्लियर वेरी गुड आ जाओ तो अब की को भी थोड़ा सा की पे सा, थोड़ा सा अरे आ थोड़ा सा चाबी मार देते हैं अब कीज की, की चाबी मार देते हैं लॉक कर देते हैं इसको ओ oh, लॉक कर देते हैं बच्चों अगर समझ में आ गया तो यस की इज अनदर टेक्सोनोमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए यूज होता है कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि सिर्फ प्लांट के लिए यूज होता है दोनों के लिए यूज होता है दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है एंड अनदर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के ऊपर हम कीज को uh, क्या कहते हैं बेस करते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं अबे कहा गया ओके okay. जो कि पेयर में होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कपलेट बोलते हैं हर एक ऑप्शन जो मेरा है वो क्या है लीड होता है ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड आप एक को एक्सेप्ट करते हो दूसरे को रिजेक्ट करते हो लेकिन कोई और तो बच्चों दूसरे को रिजेक्ट कर, नहीं करेगा वो कुछ मैम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन के लिए बच्चों क्वेश्चन के लिए तीन बजे थ्री पी एम टूडे वी हैव अ सेशन डेडिकेटेड सेशन फॉर द लिविंग वर्ल्ड एंड जो मैं तुम्हें आज प्लान भी दूंगी ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं तुम्हारी इस टाइम पे भी ऐसी तैयारी कराऊँ कि मेडिकल कॉलेज ना दूर नहीं दिखेगा तुम्हें ठीक है बच्चों मेडिकल कॉलेज तुम्हें दूर नहीं दिखेगा राइट right बच्चों ठीक है आज तुम्हें प्रॉपर प्लान मिल जाएगा तो आज तीन बजे हम एक तो पी वाई क्यूज करेंगे प्लस हम एनसीईआरटी टी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है बच्चों किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यस yes? यस yes?

आप बच्चों अंत में जो अपना लास्ट वाला पैराग्राफ है इसमें भी अपने को कंफ्यूजन होती है इसका मैं एक माइंड मैप तुम्हें दे देती कैटलॉग <coughs> sort of नहीं है बट बाकी सब तुम बुक की तरह समझ लो ठीक है बाकी सबको तुम बुक की तरह समझ लो ओके okay, अब इसका माइंड तुम्हें दे देती हूँ तुरंत 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 सबसे पहले मैं लिख देती हूँ फ्लोरा फ्लोरा बच्चों सबसे बड़ा बुक है जिसके अंदर मेरे को जो भी चीज़ पता है ना प्लांट के बारे में मैंने उसको लिख दिया है ठीक है सबसे बड़ा बुक है मुझे जो भी चीज़ पता है फ्लोरा मतलब प्लांट के बारे में मैंने वहां लिख दिया है ठीक है ओके बेसिकली अगर मैं मुंबई में रहती हूं महाराष्ट्र में रह रही हूं तो मैं महाराष्ट्र का फ्लोरा बनाऊंगी इतना बड़ा बुक होता है बच्चों इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, फ्लोरा की क्योंकि उसमें लोगों ने क्या करा होता है हर एक जगह के ठीक है मान लो महाराष्ट्र का फ्लोरा बन गया उसके जितने भी प्लांट है सबकी पिक्चर होगी डिस्क्रिप्शन होगा कीज होंगी एवरीथिंग सब कुछ सब कुछ होगा तो चलो आ जाओ फ्लोरा आ गया ठीक है अच्छा कौन मुझसे पूछे कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग क्या होता है बच्चों बिल्कुल अलग ठीक है काला गोरा ओके और क्या बोलू आ बावा बावा बावा. सूखा गीला क्या बोलूं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मोनोकॉट डाइकॉट रेटिकुलेट पैरल दीज आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ठीक है बच्चों? दीज आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाओ फ्लोरा क्या होगा एक बहुत बड़ा किताब है सिंपल सी बात है दिस विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ठीक है सब कुछ होगा डिटेल डिस्क्रिप्शन है डिटेल डिस्क्रिप्शन है बच्चों ओके पिक्चर्स भी हैं करेक्ट लोकल नेम भी है, है यहां सब कुछ है जो भी तुम्हें जिंदगी में पता है ना सब कुछ है यहां पे, ठीक है साइंटिफिक नेम सब कुछ लेकिन ये मैं किस चीज का दे रही हूं एक पर्टिकुलर एरिया का दे रही हूं ऑफ एन एरिया ठीक है ऐसा नहीं है भाई ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ये हो गया मेरा फ्लोरा अब आ जाओ तुम मैनुअल पे इसके बाद हम मैनुअल सॉरी मोनोग्राफ पढ़ेंगे इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी मोनोग्राफ मोनोग्राफ मोनो का मतलब एक सिंगल ठीक है मोनो का मतलब सिंगल यस बच्चों तो मैं यहां पे सिर्फ एक टेक्सा की बात करूंगी मैं यहां पे सिर्फ एक टेक्सॉन की बात करूंगी हमारे टेक्सॉन क्या थे कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली सिक्स किंगडम ठीक है फाइलम क्लास फैमिली ऑर्डर जीनस ये सब क्या थे बच्चों तुम्हारे टैक्सा थे तो अगर मैं सिर्फ एक टैक्सा पकड़ लू मान लो मैंने सिर्फ एक ऑर्डर पकड़ लिया उसके ऊपर सारा का सारा डिटेल मैंने लिख दिया तो मैं उसको मोनोग्राफ बोलूंगी जब मैंने बच्चों एक यू you नो know, जीनस पकड़ लिया उसके ऊपर सारी डिटेल लिख डाली तो मैं उसको मोनोग्राफ बोलूंगी तो बस जब मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रही हूँ ठीक है सो इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वन टेक्सॉन कंटेन्स All the information about one taxon. bacho. For example, monograph on a genera. Monograph on a genus tik on a family. ओके ऑन ऑर्डर किसी के ऊपर भी मैं मोनोग्राफ लिख सकती हूँ ठीक है बच्चों किसी के ऊपर भी मैं मोनोग्राफ लिख सकती हूँ अब आ जाओ तुम योर मैनुअल अब आ जाते हैं मैनुअल पे सो मैनुअल मैनुअल पे आ गए ठीक है मैनुअल क्या है मैनुअल में थोड़ी और कम इन्फॉर्मेशन आ जाती है ठीक है बच्चों थोड़ी सी और आ जाती है कम इन्फॉर्मेशन ये क्या है मैंने छोटी सी मैगजीन जैसी बना दी छोटी सी मैगजीन बना दी सो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज लेकिन एक एरिया में जो मिलेंगी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन यहां डिटेल नहीं होता बच्चों डिटेल नहीं होता फॉर आइडेंटीफिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ एन एरिया इट इज नॉट डिटेल्ड नॉट डिटेल्ड ठीक है लेकिन जो मेरा फ्लोरा होता है दैट इज डिटेल्ड दिस इज डिटेल्ड ओके बच्चो मोनोग्राफ इज डिटेल्ड ओके ठीक है आई होप थोड़ा 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 कुछ 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 समझ में आ रहा है आ जाओ अब अंत में क्या आता है अपना कैटा लॉग कैटलॉग सबसे कम है एक लिस्ट दे दी बस मैंने कुछ नहीं करा मैंने बोला चलो लिस्ट उठा के दे हैं लिस्ट ऑफ स्पीशीज ठीक है ये क्या बच्चों लिस्ट ऑफ स्पीशीज है डन कई बात सबको समझ में आई कई बात सबको समझ में आई फ्लोरा डिटेल्ड है उसके अंदर मैं सिर्फ एक टैक्सा नहीं लेती मैं सारे सब कुछ ले सकती हूँ आई कैन टॉक अबाउट एनी प्लांट या हाँ प्लांट किसी भी प्लांट की बात कर सकती हूँ मोनोग्राफ में मुझे सिर्फ एक टेक्सा लेना है या तो मैं कोई एक जीनस लूंगी या फैमिली लूंगी या ऑर्डर लूंगी ठीक है बच्चों मैनुअल में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली छोटा सा बुक बनाऊंगी कैटा बस लिस्ट बना लिया और मेरा काम हो गया बता दो मैं पीडीएफ पहुंचा दूंगी आपके पास बताओ 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 समझ में आया बता दो बच्चो एंड वी आर डन विद चैप्टर विद्सो हाँ देखो अब बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए और अपना चैप्टर भी हो गया फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्लोरा कंटेज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया सबसे ज्यादा डिटेल होता है दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इंडेक्स मतलब कि भाई उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन पिक्चर फोटो भी मिलेगा भाई साथ साथ में कीज भी मिलेंगी साथ साथ में उसका लोकल नाम क्या होता है वो भी मिलेगा एवरी थिंग ठीक है एवरी थिंग यस बच्चो ओके हाँ 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 मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया ज़्यादा डिटेल नहीं होता बच्चों मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ वन टेक्स ऑन कैटेलॉग के बारे में यहाँ बताया नहीं हुआ है मैंने तुम्हें बता दिया है ओके ठीक है दिस इज़ नॉट फॉर नहीं बच्चों फ्लोरा इज ओनली फॉर फ्लोरा इज ओनली फॉर प्लांट्स फ्लोरा सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है बाकी चीज़ें आप एनिमल में भी लगा सकते हो ओके okay? मैं लिख देती हूं यहां पे फ्लोरा प्लांट्स के लिए डन डन ओके अब आज तीन बजे मुझे सारी जनता चाहिए वहां पे हम पी वाई क्यूज डिस्कस करेंगे हम एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन वहां बन जाएंगे तो बच्चों डू नॉट मिस दिस सेशन ठीक है वो सेशन नहीं मिस करोगे ओके कैटलॉग इज मैम अल्फाबेटिकली अरेंज हाँ भाई तुम अल्फाबेटिकली अरेंज भी कर सकते हो ठीक है बच्चों <coughs> बच्चों अब आपको पलक मुझसे पूछे मैम टोटो निम्स ऑटो नेम्स एनसिनोनिम्स बच्चो ये आपको अब करने की जरूरत नहीं है ये आपको करने की जरूरत नहीं है अब ये आपके सिलेबस में है ही नहीं और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अब आप इधर उधर मत भटको ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो तुम करते हो इधर उधर भटकने का ठीक है मत करो मत करो ऐसे तो बच्चों बहुत सारी और चीज़ें जो मैं आपको बता सकती हूँ डोंट डू दिस ठीक है ओके okay. अब फटाफट से बता दे तो भाई और कौन सी नई चीज़ें आ रही है अन अकेडमी में आपका अन अकेडमी प्लेटिनम आ रहा है जो आप लेना चाहें तो गार्गी कोड लगा सकते हैं और भाई क्या है ये कुछ एक बैच आ रहा है ये दूसरा बैच आ रहा है ये तीसरा बैच आ रहा है ये चौथा बैच आ, आ रहा है देखो कितने सारे बैच आ रहे हैं तुम्हारे लिए एंड बच्चों आप रिवीजन भी कर सकते हैं पी वाई क्यूज़ का भी रिवीजन कर सकते हैं अन अकेडमी में डाउट भी पूछ सकते हैं और जी कॉम्बेट भी आ रहा है ठीक है जी जो कि अब आपको वेब पे भी अवेलेबल है इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो ठीक है बच्चों चलो और कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट है मुझे आके आप तीन बजे वाले सेशन में पूछ सकते हो राइट बच्चो तो <laughs> मैम भूख लग रही है तो <laughs> तो अब क्या करना है इस चैप्टर को थोड़ा सा रिविजन लो क्विक ठीक है आज ही मैं आपको रात तक एक प्लान दे दूंगी और उसके अकॉर्डिंग आप फिर चलोगे ठीक है जी स्केड्यूल आपको बच्चों रात तक मिल जाएगा ठीक है स्किड्यूल आपको रात तक मिल जाएगा राइट right, बच्चों अपना ध्यान रखो रेस्ट भी रे, लेते रहना बीच बीच में एंड एन को स्टिक रहो डन एंड डस्टेज यस बच्चों ओके एंड मुझे आज आप कमेंट्स में बता दोगे कि तीन बजे से पहले यस yes, मैम मैंने रिवीजन कर लिया दैट इज योर होमवर्क ठीक है हैश आई एम रेडी मैम ओके हैश टैग रॉक मुझे चाहिए आज ये कॉमेंट में ताकि मुझे पता चल जाए कि आज मेरे बच्चे बिल्कुल जोश में आने वाले हैं पेपर देने के लिए ठीक है क्वेश्चन करने के लिए यस yes, बच्चो ओके okay? चलो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट मुझे सारे बच्चे 90 परसेंट से ऊपर चाहिए आज 90 परसेंट से ऊपर चाहिए प्रॉमिस करके जाओ ठीक है यस yes, बच्चों